परीक्षा शुरू होने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट होने पर शासन ने तत्काल प्रभाव से टीईटी की परीक्षा स्थगित कर दी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार एक महीने बाद दोबारा परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को दोबारा कोई फीस नहीं देनी होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही टीईटी की परीक्षा के लिए जनपद बिजनौर में भी विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी और सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू भी हो गई थी। बिजनौर में परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी और अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन सिंह ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर ड्यूटी के संबंध में पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अधिकारियों ने परीक्षा स्थगित होने की सूचना दी, जिसके बाद सभी केंद्र व्यवस्थापकों ने अभ्यर्थियों से उनकी सीट और प्रश्न पुस्तिका को वापस लेकर सील कर दिया। अचानक रद्द हुई परीक्षा से छात्र छात्राओं में भी काफी मायूसी देखने को मिली और सभी को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट।